हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2011 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। जी हाँ, कह सकते हैं कि बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो आपको 120 मिनट से कह सकते हैं कि 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आपका 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से कह सकते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके कह सकते हैं कि 25 का पोर्शन बचा उसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर और जीके से आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका पेपर क्या कह सकते हैं ईयर है आपका 2011 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, 2011 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इज टॉट इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट बॉटनी एंड जियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जो आपके वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। फर्स्ट वन इसमें आपका ऑप्शन है हर्पिटोलॉजी, नेक्स्ट वन है इसमें आपका माइकोलॉजी, थर्ड वन है इसमें आपका आर्निथोलॉजी और लास्ट वन है आपका जेनेटिक्स। तो अगर हम बात करें कि जो आपका कह सकते हैं कि दोनों विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, जिसमें हम लोग बॉटनी और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जूलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, उस विज्ञान को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन इसमें आपका अरस्तुल, सेकेंड है आपका वाटसन एंड क्रिक, थर्ड वन आपका रॉबर्ट हुक और लास्ट वन इसमें आपका सिलेडेन और स्वान ने। तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करें प्रपोज्ड किसने आपका प्रतिपादित किया था, तो आपका सिलेडेन और स्वान के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैव डीएनए। निम्नलिखित में से किस अंगक समूह में डीएनए पाया जाता है। फर्स्ट वन आपका न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन आपका माइकोकांड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वन आपका न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लास्ट वन आपका न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकांड्रिया। इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में सेट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैव डीएनए, जो आपका कह सकते हैं कि डीएनए का अंगक समूह हो, तो आपका न्यूक्लियस होता है, माइटोकांड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला, थर्ड वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन आपका फोर्थ नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ मेन इज, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल है, मानव जाति को पहले कह सकते हैं कि होमो सेपियंस बोला जाता था, कि साइंटिफिक नेम है आपका मैन का तो होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका फिफ्थ नंबर है, फर्स्ट सर्विकल वेट्रा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, मेढक के पहले ग्रीवा कशेरुक को कहा जाता है। आपका सेक्रल, नेक्स्ट वन आपका एक्सिस, थर्ड वन आपका लेम्बर और लास्ट वन आपका एटलस। हिंदी की अगर हम बात करें तो चीक, अच्छक, कटी, शीर्षधर। तो हम बात करें कि अगर हम लोगों की मेढक के पहले ग्रीवा कशेरुका को क्या कहा जाता है, तो आपको उसको शीर्षधर कहा जाता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं कि उसको एटलस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका सिक्स नंबर, बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैक्टीरिया किसका उदाहरण है। फर्स्ट वन आपका कैरियोट्स, नेक्स्ट वन इसमें आपका प्रोकैरियोट्स, थर्ड वन आपका जिम्नोस्पर्म और लास्ट वन आपका एल्गी। तो जो आपके कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है वो आपका प्रोकैरियोट्स है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला इसमें आपका करेक्ट है। सेवेंथ नंबर कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह सकते हैं कि बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसमें आपका जो है आर्कियोरेप्टेरिक्स इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन, आर्कियोरेप्टेरिक्स किसके बीच लुप्त कड़ी है। फर्स्ट वन इसमें आपका बर्ड्स एंड मैमल, सेकेंड वन आपका कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड, आपका एम्पीथेरिया,
एंड रेप्टाइल्स, और लास्ट वन एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है कह सकते हैं कि पंछी और स्तनधारी बोला जा रहा है, सेकेंड वन में बोला जा रहा है कि सरीसृप और पक्षी के बीच का है, नेक्स्ट वन बोला जा रहा है कि उभयचर और सरीसृप है, और लास्ट वन बोला जा रहा है कि एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा का आपको मिसिंग लिंक है। तो अगर हम बात करें कि आर्थ्रोरेप्टेरिक्स में कौन से आपके कह सकते हैं कि बर्ड्स या कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स आते हैं, तो उसके अगर हम बात करें तो डायनासोर जो होता है इसी आपके प्रजातियों में आता है, कह सकते हैं कि इसको दोनों की तरह कंसीडर किया जाता है, सरीसृप और पक्षी की तरह कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी करेक्ट है। आपका 8th नंबर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन के क्या कॉजेज है। फर्स्ट वन आपका पेस्टिसाइड्स, नेक्स्ट वन केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्ड वन आपका स्मोक, और लास्ट वन कह सकते हैं कि नॉइस। तो अगर हम बात करें कि कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो आपका जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके पॉल्यूशन के कारण ही मेन कॉजेज कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 9th नंबर कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइटली प्रिंट हुआ है, तो उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि ऑफ द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स, हाउ मेनी आर ऑटोसोम्स इन मेल एंड फीमेल्स। इसमें बोला जा रहा है कि जो मनुष्य की कोशिकाओं में आपके 23 जोड़े गुणसूत्रों में से नर और मादा में कितने अलिंग सूत्र होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऑटोसोम्स की बात करें तो आपके 22 पेयर्स होते कह सकते हैं, और जो आपके 23 पेयर्स होते कह सकते हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जी हाँ, तो आपका 22 जो पेयर होता है वो आपका कह सकते हैं कि ऑटोसोम होता है आपके मेल और फीमेल में। नेक्स्ट वन इसमें आपका 10th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि ड्रोसोफिला इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनेल फॉर द स्टडी ऑफ, फर्स्ट वन इकोलॉजी, नेक्स्ट वन कह सकते हैं कि जेनेटिक्स, थर्ड वन आपका फिजियोलॉजी, और लास्ट वन आपका बायोकेमिस्ट्री। कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला जो है आपका जेनेटिक्स पे वर्क करता है, कह सकते हैं कि आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 11th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि हीमोफिलिया इज कॉज्ड इन ह्यूमन ड्यू टू, हीमोफिलिया मनुष्य में किस कारण से होता है। फर्स्ट वन इसमें आपका एनोफ्लाइडी, नेक्स्ट वन इसमें आपका पॉलीफ्लाइडी, थर्ड वन आपका डुप्लीकेशन, और लास्ट वन आपका म्यूटेशन। तो कह सकते हैं कि जो आपका हीमोफिलिया है वो आपका उसका कॉजेज जो है आपका म्यूटेशन होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 12th नंबर, इकिडना इज फाउंड इन, फर्स्ट वन आपका इंडिया, नेक्स्ट वन आपका अफ्रीका, थर्ड वन आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट वन आपका जापान। तो कह सकते हैं कि जो आपके इकिडना होते हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 13th नंबर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, उपपर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ। फर्स्ट वन इसमें आपका डी वेरिस, नेक्स्ट वन आपका डार्विन, थर्ड वन आपका लैमार्क, और लास्ट वन आपका कोरेंस। तो जो कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो आपका लैमार्क के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है। इसमें आपका 14th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि क्रोमोसोम्स नॉर्मली अकर एस होमोलोगस पेयर इन, किसमें गुणसूत्र प्रेय समजात जोड़े में पाया जाता है। फर्स्ट वन इसमें आपका स्पर्म सेल, नेक्स्ट वन इसमें आपका एग सेल, थर्ड वन इसमें आपका जायगोट, और लास्ट वन इसमें आपका जैमेट। कह सकते हैं कि जो आपका क्रोमोसोम्स होता है वो आपका समजात जोड़े में पाया जाता है, जायगोट में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं सी, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 15th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, फर्स्ट वन इसमें आपका साइटोकाइनेसिस, सेकेंड वन इसमें आपका कैरियोकाइनेसिस, थर्ड वन इसमें आपका एनाफेस, और लास्ट वन इसमें आपका टेलोफेस। तो कह सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको आपको कैरोकाइनेसिस बोलते हैं, कह सकते हैं कि मिटोसिस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका कह सकते हैं केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है, 15th नंबर था, इसको हिंदी में रिफर कर दे रहा हूँ, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, एनाफेस, और आपका टेलोफेस। तो कह सकते हैं कि केंद्र का जो विभाजन होता है उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 16th नंबर, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, विश्व का सबसे बड़ा फूल किसका है।
फर्स्ट वन इसमें आपका लोटस, नेक्स्ट वन इसमें आपका रेफ्लेसिया, थर्ड वन इसमें आपका जेंट, कैक्टस और लास्ट वन इसमें आपका सनफ्लावर, कह सकते हैं कि कमल, नेक्स्ट वन आपका रेफ्लेसिया, थर्ड वन इसमें आपका वृहद कैक्टस और लास्ट वन इसमें आपका सूर्यमुखी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को क्लियर करके पढ़ना है क्योंकि कि आपको ऑप्शन से ही कह सकते हैं कि आपका आंसर को ढूंढना है, कह सकते हैं एक प्रकार से। तो किस लिए क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लोटस और सनफ्लावर तो ऐसे ही कट हो गए कह सकते हैं। अगर आपको कह सकते हैं कि रेफ्लेसिया के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी तो आप लगा कर आ जाएंगे कह सकते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है आपका फ्लेसिया एर्नोल्डी है, कह सकते हैं इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो आपका कह सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड है, कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 17th नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, जो आपका मटर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसन सटाइवम, ठीक है, पाइसन सटाइवम, ये आपको ध्यान में रखना है। कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम आपका सरसों का हो गया, मैंगो का हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उसको आपको एक चार्ट बनाने के बाद उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 18th नंबर, पाइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इसमें आपका जिम्नोस्पर्म, वन इसमें आपका एंगियोस्पर्म, थर्ड वन इसमें आपका टेरियोफाइटा और लास्ट वन है इसमें आपका ब्रायोफाइटा। तो कह सकते हैं कि जो पाइनस होता है वो आपका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 19th नंबर, इन मिराविलिसा जलाफ विच प्लांट्स विथ रेड फ्लावर आर क्रास्ड विथ दोज विथ वाइट फ्लावर्स फॉर प्लांट्स सो पिंक फ्लावर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स, कहा जा रहा है इसमें कि आपका मिराविलिसा जलाप में जब लाल फूल के पौधे को सफ़ेद फूल के पौधे के साथ संकरित करते हैं या कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो अगली पीढ़ी जो है आपका पौधे का गुलाबी रंग फूल आता है, तो यह क्या दर्शाता है। फर्स्ट वन इसमें आपका डोमिनेंस, नेक्स्ट वन इसमें आपका को डोमिनेंस, थर्ड वन आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें आपका रिसीविवनेस। तो इसमें जो होता है कि हिंदी में मैं रिफर कर दे रहा हूँ, प्रभाविता, सप्रभाविता, अपूर्व प्रभाविता और लास्ट आपका अप्रभाविता। तो इसमें यह होता है कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है जिसमें आपका अपूर्व प्रभाविता के कारण ऐसा होता है कि जो आपका रेड और वाइट प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है तो आपका पिंक फूल देता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 20 नंबर, प्लांट्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, सब्जी के रूप में प्रयोग करने वाला पौधा कौन कौन सा है। फर्स्ट वन इसमें आपका ब्रेसिका ओलिरेसिया, नेक्स्ट वन इसमें आपका कुकरबाइटा मैक्सिमा, वन इसमें आपका रेफिनस साइटिवस और लास्ट वन ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका ऑल ऑफ द एबव है कह सकते हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट वन इसमें आपका 21 बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। फर्स्ट वन इसमें आपका आरएनए, नेक्स्ट वन इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड, थर्ड वन इसमें आपका एमिनो एसिड और लास्ट वन इसमें आपका न्यूक्लियोसाइड। कहते हैं कि जो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है वो आपका एमिनो एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड वो आपका करेक्ट है। इसमें आपका 22 नेफ्रेडिया आर फाउंड इन, फर्स्ट वन स्टारफिश, नेक्स्ट वन कॉकरोच, थर्ड वन आपका नेरिस और लास्ट वन इसमें आपका हाउस फ्लाई। कह सकते हैं कि जो आपका पहला दिया है वो आपका स्टारफिश है, नेक्स्ट वन कॉकरोच आप जानते ही होंगे और थर्ड वन आपका नेरिस है और लास्ट वन कह सकते हैं कि घरेलू जो मक्खियां होती है वह होती है। तो अगर हम बात करें नेफ्रेडिया की तो इसमें आपका जो अर्थवॉर्म आते हैं, जी हाँ, किचुआ प्रजाति की आती है, उससे ही यह आपका बिलोंग करता है कह सकते हैं। तो इसमें आपका जो नेरिस है यह भी आपका नेफ्रेडिया फाउंड करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 23 एरिथ्रोब्लास्टेसिस फिलाटिस इज एसोसिएटेड विथ, इसमें आपका कह सकते हैं कि इसका किससे संबंध है। फर्स्ट वन इसमें आपका ओ ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट वन इसमें आपका ए बी ब्लड ग्रुप,
थर्ड वन इसमें आपका MN ब्लड ग्रुप और लास्ट वन इसमें आपका RH ब्लड ग्रुप, या कह सकते हैं कि RH फैक्टर भी होता है। तो इसमें यह होता है, इस रोग में कह सकते हैं, इसमें यह पाया जाता है कि जैसे आपकी माता पिता का जो ब्लड होता है, कह सकते हैं बच्चों का जो ब्लड होता है, वो आपका डिफरेंट हो जाता है इस केसेस में, तो वह आपका RH फैक्टर ग्रुप होता है कह सकते हैं। तो RH आपका ब्लड ग्रुप से ये आपका एसोसिएटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 24 मैन नीड्स कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गेट देम फ्रॉम फर्स्ट वन सेलुलोज, नेक्स्ट वन स्टार्च, थर्ड वन आपका बोथ और लास्ट वन नन। तो कह सकते हैं कि मनुष्य की ऊर्जा के स्रोत के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो वह किससे प्राप्त होता है, तो आपका कह सकते हैं कि स्टार्च से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कह सकते हैं कि बी वाला करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो आपका कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स होता है कि जो शारीरिक विकास का आपका हार्मोन्स होता है, वह आपका कौन स्रावित करता है। फर्स्ट वन इसमें आपका थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट वन इसमें आपका एड्रेनल, थर्ड वन इसमें आपका थायमस, वन कह सकते हैं कि प्यूटेरी। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स होता है, वो आपका प्यूटेरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला करेक्ट है। इसमें आपका 26 आता है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन फर्स्ट वन सॉलिड लिक्विड गैसेस सेमी सॉलिड, ध्वनि की अधिकतम वेग किस में होती है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में और लास्ट वन अर्ध ठोस में। तो जो आपकी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है, वो आपका सॉलिड में होता है। उसका रीजन ये रहता है कि डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड में, तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कि आपका सॉलिड में जो होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, और आपके जो एटम्स रहते हैं आपका क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस केस में, तो उस केस में आपकी कह सकते हैं कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपका स्टील्स में या किसी भी आपके मटेरियल्स में, तो उसमें स्पीड कह सकते हैं साउंड की ज़्यादा होती है। और कंपेयर टू अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड आपकी ईयर में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का जो है SI मात्रक है। फर्स्ट वन एनर्जी, पावर, वर्क और फोर्स। तो आपके एनर्जी का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है SI यूनिट है। वन आपका कह सकते हैं जो जूल बराबर होता है, कह सकते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट वन इसमें आपका 28 है, द पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ कितना होगा, तो आप जानते हैं P बराबर 1/F होता है, तो यहाँ से F बराबर 1/P हो जाएगा। देन उसके बाद आप पी की जगह वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो जो एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर आ जाएगी, जो आपका नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 29, इसमें बोला जा रहा है कि विच कलर हैव द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। फर्स्ट वन येलो, नेक्स्ट आपका ग्रीन, थर्ड वन आपका ब्लू और लास्ट वन रेड। तो जो आपके कह सकते हैं कि रेड होती है, जैसे हम लोग 7 जो आपके प्रिज्म होते हैं उससे आपके वाइट कलर जो होती है आपकी स्प्लिट करती है 7 डिफरेंट कलर में, तो उसका जो कलर होता है आपका बिग्योर होता है, BIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो आपके लास्ट में रहता है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती कह सकते हैं, और जो पहला रहता है उसकी आपकी कह सकते हैं कि वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका सही है। इसमें आपका 30 नंबर, विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन आपका प्लेन मिरर, नेक्स्ट वन इसमें आपका कॉनकेव मिरर, थर्ड वन इसमें आपका कॉन्वेक्स और लास्ट वन आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। कह सकते हैं जो हम लोग शेविंग के लिए यूज करते हैं वह आपका अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव आपका मिरर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 31, इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, इसमें आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, थर्ड वन आपका बोथ और लास्ट वन इसमें आपका नन। जो हम लोग घरों की वायरिंग होती है वह किस प्रकार की होती है, तो आपका पैरेलल कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में होता है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे कि सपोज कीजिए ये है, तो दूसरा आपका यहाँ पे उसका आपका रेजिस्टेंस होगा, थर्ड
आपका ये होगा। तो सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट आपको वर्क करेगा कह सकते हैं। लेकिन आपके सीरीज कह सकते हैं ऐसे होती है, अगर आपका ये यहाँ पे आपका जैसे R1 आपका रेजिस्टेंस है, तो ये आपका ब्रेक हो गया, करंट यहाँ से पास हो रही है, तो आपका नेक्स्ट वाला भी आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में कह सकते हैं कि वर्क करेगा। अगर एक इंस्ट्रूमेंट से कुछ चीज़ें घर में जैसे एक बल्ब फ्यूज हो जाती हैं, तो क्या सारे घर की लाइट जल जाती है? ऐसा नहीं ना होता है। तो वही इसमें आपको वर्क करता है। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके समानांतर क्रम में हम लोग घर की वायरिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 32 अ गन ऑफ मास 5 kg फायर अ 50 gram बुलेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 meter per second। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज, बोला जा रहा है कि 5 kg की बंदूक से 50 gram की गोली दागी जाती है, तो उसका जो वेग है कह सकते हैं 200 meter per second है। तो बंदूक का वेग क्या होगा, जो आपके पीछे की तरफ कह सकते हैं कि बंदूक जो झटका देगी, तो उसका आपका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं कि 32 आपका नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पहला अमाउंट दिया है आपका 5 kg, नेक्स्ट इसमें आपका M2 दिया कह सकते हैं कि 50 gram, और V1 बराबर दिया है कह सकते हैं आपका 200 meter per second, और लास्ट आपका कह सकते हैं कि V2 की वैल्यू पूछ रहा है। कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपका फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से आपका M1 V1 इक्वल टू आपके कह सकते हैं कि M2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ से M1 की वैल्यू आपको kg में है, तो उसको ग्राम में यूनिट आपके सेम होनी चाहिए, तो ये आपका 5000 हो गया इंटू में V1, और इक्वल टू आपका कह सकते हैं कि माइनस में हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि कि हम लोग निगेटिव वे में आपका कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगी बंदूक जो है पीछे की तरफ भागेगा, तो इसलिए हम लोग माइनस वाले से कंसिडर कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपका 50 हो गया इंटू 200 हो गया, तो यहाँ से आपका कह सकते हैं V1 बराबर हो गया 50 × 200/5000। तो ये आपका कट हो गया 100 टाइम में, 100 से कट हो गया, कह सकते हैं -2 meter per second, ये आपका आंसर आएगा। तो हम लोग मिलाते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें आपका जो आंसर है -2 meter per second, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 33, इसमें बोला जा रहा है कि अ गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट, दिए गए पानी का न्यूनतम आयतन किस पर होगा। मिनिमम वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो जहाँ पे आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे आपको वॉल्यूम कह सकते हैं कि मिनिमम होगा, क्योंकि कि आपके एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 4 degree पे जो होती है आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो वॉल्यूम जो होगा आपका मिनिमम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि 39.2 फारेनहाइट पे आपका मिनिमम हो जाएगा, अगर हम फारेनहाइट पैमाने की बात करें तो। नेक्स्ट वन इसमें आपका द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज, आप याद कर लीजिए या रट लीजिए कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या एक बार फॉर्मूले से मैं इसको डिराइव भी करना बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है F=g m1 m2/r2। तो हमको इसकी आपकी यूनिट निकालनी है, तो यहाँ से g बराबर हो गया F=r2/m1 m2, ठीक है। तो यहाँ से F की आपकी जो होती है यूनिट न्यूटन होती है, और आपकी R की आपकी मीटर स्क्वायर होगी, अपॉन में आपकी मास M1 M2 दो मास है, तो kg², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², या कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg^-2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं एक साथ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी वो आपका करेक्ट है, और मैंने निकालना भी बता दिया कि आपको कैसे यूनिट को कोरिलेट करके निकालना है। इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। कैपिटल जी की वैल्यू और स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 m/s² होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वह होती है आपकी छोटी वाली जो होती है जी, वह आपका ग्रेविटी होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 35 द मास ऑफ अ मैन ऑन अर्थ सरफेस इज 60 kg, द मास ऑफ द मैन ऑन मून सरफेस इज, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है कह सकते हैं पृथ्वी सतह पर आपका 60 kg का है, तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा कह सकते हैं वह आपका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान की बात की जा रही है, तो ईएम आपका दिया है कह सकते हैं कि 60 kg है, तो आपका चंद्रमा पर जब जाएगा तो ईएम बाई
सिक्स हो जाता है कह सकते हैं। तो ठीक है, एम बाई सिक्स हो जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 60/6 हो जाएगा, कह सकते हैं कि 10 kg का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 36, जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कह सकते हैं बहुत बार रिपीट किया गया है। इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस इज, पहला ऑप्शन है इसमें आपका एन, दूसरा है 1/n², थर्ड वन 1/n और लास्ट वन n² n बराबर प्रतिरोध के प्रतिरोधों को पहले सरणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का आपको अनुपात बताना है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, n² आंसर आएगा। अब यह आपका कैसे आएगा इसके अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन की, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। सीरीज की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि जो सीरीज में आपका कनेक्शन होता है, अगर हम लोग आर एस निकालें, आर एस इक्विवेलेंट निकालें, तो आर प्लस आर ऐसे आपका एन टर्म तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोगों को आर एस निकालना हो, तो एन इंटू आर लिख सकते हैं, इसको आप 1 लेट कर लीजिए। इसी तरह अगर हम पैरेलल की बात करें, तो यहाँ से हम लोग पैरेलल के आर एस को लिख सकते हैं, आर बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर रेशियो की बात करें, तो रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो आप निकाल दीजिए सिंपल सा, आर एस आर पी इसको लिख सकते हैं। सीरीज ये आपका आर पी हो गया, आर एस अपॉन में आर पी, तो यहाँ से आपका एन आर अपॉन में आर बाई एन हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, और ये आपका एन स्क्वायर बच गया कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स ग्रुप में भी आपको पूछा गया था, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका 37, व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपके कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे आपका फाइनल इमेज का जो नेचर रहेगा वह कैसा रहेगा। फर्स्ट वन रियल, नेक्स्ट वन आपका वर्चुअल, और थर्ड वन आपका रियल एंड वर्चुअल बोथ, और लास्ट वन इसमें आपका कहा जा रहा है कि नन ऑफ दिस। अगर हम बात करें कि फाइनल इमेज जो बनेगा, तो आपका वर्चुअल बनेगा या तो कन्फर्म है, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी आपका सही हो सकता है, अगर आपका फोर्थ ऑप्शन में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड दिया रहेगा, तो ऑप्शन वह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 38, द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, वेक्टर ए बराबर दिया है 4i³ + 3j³ - 4k³ एंड बी बराबर 3i³ + 4j+6k³ इज। बोल सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि सिलेबस से नहीं पूछा गया, बेसिकली बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर में आता है, तो आपको कैसे करना है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, वेक्टर की बात की जा रही है, तो आपका कोसाइन हमको निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, 38 नंबर है, ठीक है। आपका वेक्टर ए बराबर दिया है 4i³ + 3j³ - 4k³, और वेक्टर बी बराबर कह सकते हैं दिया है 3i³ + 4j³ + 6k³ दिया, ठीक है। तो इसको आपको कह सकते हैं कि इसका हम लोग आपका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एक तरीके से, तो यहाँ से आपका इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं, तो आपका i के साथ होगा और आपका j के साथ होगा। i इंटू आई आपका 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 12 + 12 - 24 हो गया, इक्वल टू आपका 0 आ गया कह सकते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है कह सकते हैं, आपका फॉर्मूला यही होता है, आपका cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी प्रोडक्ट अपॉन में, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो गया, तो cos आपकी 0 की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा बराबर हो गया cos आपका 90, cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कह सकते हैं कि 90 आ गया। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि 0 लगा कर भी आए थे, जो आपका पेपर में कह सकते हैं हुआ था 2011 में, तो आपका 0 लगा कर आए थे, जो बिल्कुल आपका गलत था। नेक्स्ट वन इसमें आपका 39, द फिनोमिनन विच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव इज, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट वन इंटरफेरेंस, थर्ड
थर्ड वन डिफ्रैक्शन और लास्ट वन आपका पोलराइजेशन। तो अगर हम लोग साउंड की बात करें, कह सकते हैं कि साउंड वेव में क्या नहीं होता, तो आपका पोलराइजेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट कह सकते हैं, उसमें आपके किसी भी प्रकार का ध्रुवण नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 14 नंबर, इफ टू जंक्शन मेड ऑफ टू डिसिमिलर मेटल आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर देन द थर्मो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड, दिस इज इफेक्ट कॉल्ड। इसमें बोला जा रहा है कि यदि दो सिंधियां जो आपके भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाई और साथ में उसका टेम्परेचर भी भिन्न हो, तो उसमें आपका कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होगा वो किस प्रभाव से जनरेट होगा। फर्स्ट वन इसमें आपका थॉम्सन इफेक्ट, नेक्स्ट वन इसमें आपका प्लेटियर इफेक्ट, नेक्स्ट वन इसमें आपका सीबेक इफेक्ट और लास्ट वन आपका जूल इफेक्ट। तो जो कह सकते हैं कि इसमें आपका जो इफेक्ट जनरेट होगा वो आपका प्लेटियर इफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं कि बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 41, टू लाइट वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ देयर फर्स्ट वन एम्पलीट्यूड आर इक्वल, फ्रिक्वेंसी आर सेम, वेवलेंथ आर सेम, फेज डिफरेंस इज सेम। तो कह सकते हैं कि अगर आपका कोहेरेंट लाइट होगा, टू वेव्स हैं जो आपके कोहेरेंट है कह सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को फेज डिफरेंट जो होने चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 42, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स, इसमें से कौन सा आपका जो है मूल मात्रक नहीं है। फर्स्ट वन एम्पियर, नेक्स्ट वन इसमें आपका कैंडेला और थर्ड वन इसमें आपका न्यूटन और लास्ट वन इसमें आपका केल्विन। तो जो आपका कह सकते हैं कि न्यूटन है वो आपका डेराइव्ड कह सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स नहीं है। जो आपके सेवन होते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ए इक्वल टू एम्पियर, सी डी इक्वल टू कैंडेला, के इक्वल टू केल्विन, के जी इक्वल टू किलोग्राम, एम इक्वल टू मीटर और आपका कह सकते हैं कि मोल होता है और लास्ट वन इसमें आपका सेकेंड होता है। तो ये आपके सेवन जो होते हैं फंडामेंटल एसआई यूनिट्स होते हैं। इन्हीं सारे को मिला के कह सकते हैं कि हम लोग आपके डेराइव्ड यूनिट को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें द स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑन विच द टेम्परेचर आर ओनली पॉजिटिव इज, कौन सा जो आपका ताप पैमाना है जिसपे हमेशा आपका जो आपका टेम्परेचर होगा वो आपका पॉजिटिव आता है। फर्स्ट वन इसमें आपका फॉरेनहाइट, नेक्स्ट वन आपका सेल्सियस, थर्ड वन इसमें आपका केल्विन और लास्ट वन इसमें आपका रियूमर। तो कह सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर देता है वो आपका केल्विन पैमाना होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट वन कह सकते हैं बहुत बार रिपीट किया गया है, 44 है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक आर, आपका जो होता है परास्रोत रंग की आवृत्ति कितनी होती है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो आपके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है या कह सकते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज से आपकी एवब होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपके जो बैट होते हैं कह सकते हैं चमगादड़ होते हैं वो आपके इस अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 45, द फिनोमिनन विच प्रोड्यूस कलर इन सूप बबल इज ड्यू टू, आपका जो साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना को क्या कारण है। फर्स्ट वन इसमें आपका डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट वन इसमें आपका डिस्पर्सन, थर्ड वन आपका इंटरफेरेंस और लास्ट वन इसमें आपका पोलराइजेशन। का कलर प्रोड्यूस होता है सोप बबल्स में वह आपका इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट है, या कह सकते हैं कि व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 46, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस आपके धातु का बना होता है। पहला आपका स्टील, नेक्स्ट वन सॉफ्ट आयरन, थर्ड वन इसमें आपका कह सकते हैं कि कॉपर और लास्ट वन इसमें आपका एल्युमिनियम। तो जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर होता है वो आपका सॉफ्ट आयरन से बना होता है, नर्म लोहे का बना होता है। थ्री कंडेंसर ऑफ कैपेसिटीज 3 माइक्रोफेराडे ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कम्बिनेशन विल हैव अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की आपकी क्या कम्बिनेशन होगी जब सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इसमें आपके जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोग सीरीज में R बराबर लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस में कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 कैपेसिटेंस के टर्म में, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यहाँ से आपका 3 LCM हो जाएगा, ऊपर भी 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइक्रो फेराडे आपका
इसका कह सकते हैं कि आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। आपका 48 द प्रोसेस ऑफ फिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी इन नाभिक का विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करता है सन, हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम और केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपका परमाणु बम के द्वारा जो होता है नाभिकीय विखंडन होता है। दो तरीके की प्रोसेस होते हैं, एक आपका फिशन होता है, दूसरा आपका फ्यूजन होता है। फ्यूजन में कह सकते हैं कि आपका जो होता है नाभिकीय संलयन होती है, उसमें आपके छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि जो आपके एटम्स होते हैं वो आपके जोड़ के एक बड़ा सा कह सकते हैं कि आपका नाभिक बनाता है। इसमें आपके एक बड़े नाभिक छोटे छोटे आपके नाभिक में टूटते हैं, तो इस प्रोसेस को एटॉमिक बम बोलते हैं या एटम बम भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बम जस्ट इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 49 साउंड वेव आर, फर्स्ट वन इसमें आपका ट्रांसवर्स, नेक्स्ट वन आपका लॉन्गिट्यूडनल और थर्ड वन आपका बोथ और लास्ट नन। तो जो आपके साउंड वेव होते हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट वन अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो और कह सकते हैं कि लास्ट है आपके फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स से बेसिकली भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स और लेंथ। तो जो फर्मी होता है कह सकते हैं कि लेंथ को नापता है, जो आपकी कह सकते हैं कि छोटी इकाई होती है, 1 फर्मी = 10^-15 होता है कह सकते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है, जो आपके नैनो से भी कह सकते हैं कि छोटा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आपका 51 जो आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन का जो IUPAC नेम होता है वो आपका 2-propanone होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला वाला करेक्ट है, मैंने बता दिया। आपने IUPAC 11th में पढ़ना है, आपकी केमिस्ट्री में जो है IUPAC का जो आपका सिलेबस है वो आपका 11th की केमिस्ट्री में है, तो उसको आप थोड़ा बहुत भी पढ़ भी सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इसमें आपका 52 साल्ट ऑफ विच एलिमेंट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर, किन तत्वों के लवण पानी में कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो जो आपका कठोरता उत्पन्न करते हैं, फर्स्ट वन आपका सोडियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 53 है, विच इज नॉट एन एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अम्ल नहीं होता है कह सकते हैं। तो फर्स्ट वन है H2SO4, नेक्स्ट वन K2SO4, थर्ड वन आपका H3PO4 और लास्ट वन इसमें आपका HNO3। तो कह सकते हैं कि जो आपके सुपर ऑक्साइड होते हैं, जी हाँ कह सकते हैं कि जो आपके मेटल होते हैं वो आपके एसिड नहीं हो सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका H2SO4 है जो आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो यहाँ आपका सुपर सल्फेट फॉर्म कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 54 द वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज 4, द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4, द फॉर्मूला ऑफ द साल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन M and H3PO4। कह सकते हैं कि सॉल्ट बनेगा वो आपका M3PO4 का होल ट्वाइस बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 55 हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पे आधारित है। फर्स्ट वन आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, नेक्स्ट वन आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट वन इसमें आपका न्यूक्लियर फिशन और लास्ट वन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जो आपका हाइड्रोजन बम है वो आपके नाभिकीय विखंडन पे कह सकते हैं कि आपका बेस्ड है, जिसमें आपके फ्यूज होता है, फ्यूज का मतलब वो क्या है कि टूटना, और आपका न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होना, मतलब छोटे छोटे जो आपके एटम्स हो के एक बड़ा कह सकते हैं कि एटम्स बनाए, उसको आपका न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। और एक बड़ा एटम जब आपका कह सकते हैं छोटे छोटे आपके टुकड़ों में टूटे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन बम जो है कह सकते हैं वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 56 स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील में आपका कौन कौन सा कह सकते हैं कि धातुएं मिली रहती हैं। तो आपका जो धातुएं होती हैं वो आपका Fe होता है, फर्स्ट वन आयरन होता है, नेक्स्ट वन आपका क्रोमियम और निकिल होता है। क्रोमियम और निकिल कह सकते हैं किसकी चमक के लिए और साथ ही साथ कोरोजिंग रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं कि आपका जंग रोधी हो और साथ ही साथ साइन भी करे, इसके लिए हम लोग CR और निकिल का यूज करते हैं, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट वन इसमें आपका 56 द फॉर्मूला वेट ऑफ FeSO4 into 7H2O इज,
आपका इसका फॉर्मूले का वेट निकालना था और इसकी वैल्यू Fe की 56, S की वैल्यू 32, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 और हाइड्रोजन की वैल्यू 1 दिया गया है। आप फॉर्मूले में पुट करेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे, कह सकते हैं प्लस करने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, Fe की जगह 56 प्लस सल्फर की जगह 32 प्लस O4 है तो 4 × 16, फिर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस हो गया, देन इसके बाद आपका 7 × 2 × 1 और 7 का इस ऑक्सीजन में भी होगा तो 7 × 16 करना है, देन सबको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 278 ग्राम आ जाएगा, 278 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 58 है, इसमें बोला जा रहा है कि विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर एथिल मेथिल कीटोन, किस यौगिक के ऑक्सीकरण के द्वारा एथिल मेथिल कीटोन प्राप्त होता है। तो आपका 2-बुटानॉल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, कह सकते हैं, तो आपका एथिल मेथिल कीटोन आपका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 59 है, कह सकते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है। फर्स्ट वन आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, नेक्स्ट वन एसिटिक एसिड और आपका थर्ड वन विनेगर और लास्ट वन एब्सोल्यूट एसिटिक एसिड। तो जो आपके प्योर फॉर्म में एसिटिक एसिड रहता है उसको आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला आपका करेक्ट है। इसमें आपका 60 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल डी कलराइज ब्रोमीन वाटर, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देता है। तो फर्स्ट वन इसमें आपका C4H10, नेक्स्ट वन इसमें आपका C3H8, नेक्स्ट वन इसमें आपका C2H6 और लास्ट वन आपका C3H6। तो कह सकते हैं कि जो आपका डी कलराइज कर देता है वो आपका C3H6 है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 61 है, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स में बी रिटन एस, यहाँ पे आपका दिया है, आपका थोड़ा सा आपको लाइटली प्रिंट हो रहा है, 92X आपका कुछ लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम एक्स, आपके न्यूट्रॉन कितने रहेंगे कह सकते हैं एटम एक्स में, यहाँ पे आपको 238 लिखा है, 238 लिखा है कह सकते हैं और यहाँ पे 92 है, इसको आप माइनस कर देंगे। आपका एटॉमिक वेट रहता है, जी हाँ आपका एटॉमिक वेट रहता है, उसको एटॉमिक नंबर उसमें से माइनस करेंगे तो हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ से एटॉमिक वेट आपका 238 है, 92 आपका एटॉमिक नंबर है, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 146 आ जाएगा, जो आपका कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका कह सकते हैं कि 62 है, एन एलिमेंट हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन 21 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज इफ बिलोंग, बोला जा रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान है वह 40 है और उसके नाभिक में कह सकते हैं कि 21 न्यूट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो यह तत्व किस आवर्त सारणी में आएगा, किस वर्ग में आएगा। यह जो आपका एलिमेंट है कह सकते हैं कैल्सियम है, जिसका मास नंबर आपका 40 और न्यूट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं कि 21 है, तो इसमें आपका कह सकते हैं कि यह किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से, तो आपका फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं आपका डी करेक्ट है। इसमें आपका 63 है, इसमें बोला जा रहा है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, एक जो आपका विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना रहेगा। तो उसका पीएच जो रहेगा 8 रहेगा और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है 4.73, तो कह सकते हैं कि 7 से कम है, तो जो आपका कह सकते हैं कि बेसिक नेचर का रहेगा वह आपका जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसको आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 64 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, कार्बन का CO2 में कितना आपका परसेंट रहेगा। तो अगर हम बात करें CO2 की, तो यहाँ पे आपका कार्बन का जो हो गया 12 हो गया और ऑक्सीजन का आपका 16 तो हो गया, 32 हो गया, तो टोटल आपका 44 हो गया कह सकते हैं। और अगर हम कार्बन की बात करें तो 12 होता है, 12/44 × आपका 100 करेंगे, इसको आप कट कर दीजिएगा कह सकते हैं। तो अगर हम लोग 4 से इसको कट करते तो ये आपको 25 आ जाता है, और ये हम लोग 4 से इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग कट करते तो ये आपका 3 आ जाता है, आपका 11 आ जाता है कह सकते हैं। और देन इसके बाद आपका 300
अपॉन में आपका 11 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा कह सकते हैं 27.2% आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में आएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका 65 है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ 6.023 × 10^21 एटम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड की इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, और आपका परमाणु भार जो दिया है 197 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 197 यहाँ पे दिया गया। आप लोग जानते हैं कि जो आपका अवोगाड्रो नंबर होता है वह आपका जो होता है 6.023 × 10^23 होता है। जी हाँ, आपका 6.023 × 10^23 होता है, और आपका यह दिया गया कह सकते हैं। तो यहाँ से इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा कह सकते हैं 1.97 ग्राम आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला करेक्ट होने वाला है। इसमें आपका 66 से सोडियम आयन्स इन 1 लीटर 1N NaCl सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे आपका 1 लीटर दिया है। आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर जो होता है आपका 1000 आपका कह सकते हैं कि ml होता है, तो यहाँ से आपका जो 1000 हो जाएगा, तो 1N NaCl है तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो 100 upon 1000 × अवोगाड्रो नंबर करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 × 6.023 × 10^23 आने वाली। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका फोर्थ वाला करेक्ट है, 6.023 × 10^22 हो जाएगा। 0.1 से जब आप अवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका करेक्ट है। 67 इक्वा रेगा इज अ मिक्सचर ऑफ अम्लराज, एक आपका मिश्रण है। फर्स्ट वन HNO3 and HCl, आपका जो रेशियो 1:3 है। नेक्स्ट वन आपका HNO3 and HCl, जो रेशियो 3:1 है। नेक्स्ट वन इसमें आपका HNO3 and H2SO4, रेशियो 1:1 है। और लास्ट इसमें H2SO4 and HCl 1:3 है। तो जो कह सकते हैं कि इक्वा रेगा में आपका मिक्सचर में जो आपका मिश्रण का रेशियो रहता है 1:3 रहता है, और आपका HNO3 और HCl का मिश्रण रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन सो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा आपकी स्ट्रक्चर शो करे। तो इसमें आपका जो लास्ट ऑप्शन है C4H10, ये आपका आइसोमर्स शो करता है। नेक्स्ट है इसमें आपका 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन सा इसमें से आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है जो आपका कोलाइडल विलयन बनाता है। फर्स्ट वन कॉमन साल्ट एंड वाटर, वाटर में जब हम लोग सॉल्ट को घोल देंगे तो खत्म हो जाएगा सोप एंड वाटर, शुगर एंड वाटर यह भी नहीं हो सकता, और पोटेशियम क्लोराइड और वाटर का मिश्रण कह सकते हैं हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड की बात की जा रही है, KCl और वाटर का जो आपका मिश्रण कह सकते हैं आपके एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं बी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 70 नंबर, डायल्यूट HCl इज एडेड टू सॉलिड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया जाता है जब आपका तनु HCl को ठोस NaHCO3 के साथ मिलाया जाता है। तो HCl का जब आपका NaHCO3 के साथ रिएक्शन होता है तो आपका सॉल्ट बनता है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफर्वेंसेस अकर होता है या कह सकते हैं कि बुदबुदाहट होती है, तो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमोसफेयर में आपका बाहर आ रहा है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 71 जिप्सन, जिप्सन आपका क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो जो जिप्सन का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है जिसको हम लोग POP भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O, इसको आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका ऑप्शन है कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला करेक्ट है, CaSO4 × 2H2O, तो यहाँ पर आपका CaSO4 × 1/2H2O बनाता है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 72, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आपका कौन सा आपका फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। फर्स्ट वन इसमें आपका HCHO, नेक्स्ट वन इसमें आपका CH3OH,
नेक्स्ट वन इसमें आपका CH3CO CH3 और आपका लास्ट है CH3CH2OH। तो जो आपका इंडिस्ट्रिक्यूज करता है कह सकते हैं एल्डिहाइड और क्यूटोन में, तो आपका फैलिंग सॉल्यूशन होता है जो आपका कह सकते हैं HCHO के द्वारा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट इसमें आपका 73 कह सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इन नेचर, कौन सा इसमें से आपका बेसिक नेचर का है। तो कह सकते हैं कि जो आपके मेटल होंगे वो आपके बेसिक नेचर के होंगे। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जो आपका नेचर होता है, आपका बेसिक होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 74 है कह सकते हैं, PHMgBr फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट वन आपका ग्रेनार्ड रीएजेंट, नेक्स्ट वन इसमें आपका ल्यूकास रीएजेंट, नेक्स्ट वन इसमें आपका कोरे रीएजेंट, लास्ट वन इसमें आपका एल्केटिंग रीएजेंट। जो आपका पीएच है, एमजी है, बीआर है कह सकते हैं, फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, वो आपका ग्रेनार्ड रीएजेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कह सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन का जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे इंक्रीज कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 76 से कह सकते हैं, हिंदी से है, हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं घर पर हूँ, इस वाक्य में पर किसका कारक चिन्ह है। तो कह सकते हैं कि जो पर है वह फर्स्ट वन कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। तो पर जो होता है कह सकते हैं वो आपका अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 77, कौन सा वाक्य आपका सही है। फर्स्ट वन मैं रोटी खाना, नेक्स्ट वन मैंने रोटी खाया, मैंने रोटी खाई, मैं रोटी खाई, तो मैंने रोटी खाई आपका करेक्ट लग रहा है, आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका 78, कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध है, स्वास्थ्य लिखा है, तो स्वास्थ्य आपका कैसे लिखाता है। तो जो आपका ऑप्शन है आपका बी वाला, आपने कह सकते हैं कि देखा भी होगा कि लिखा जाता है मूवीज में और बहुत सारे जगह डिस्क्लेमरेशन के रूप में कि आपका धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो यहाँ से आपका लिया गया कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका 79, अच्छ शब्द के आगे अधि उपसर्ग जोड़ने पे कौन सा शब्द बनेगा, तो अधि और छ है, तो अध्यक्ष, अध्यक्ष आपका ऐसे लिखाता है। इसमें आपका 80 नंबर, कौन शब्द बेमेल या असंगत है। फर्स्ट वन बचपन, यौवन, बुढ़ापा और नानी, तो नानी कह सकते हैं आपका अलग दिख रहा है, या सारी चीज़ें आपके कह सकते हैं कि जीवन काल की अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोट कर रहा है बचपन, यौवन, उसके बाद बुढ़ापा आता है, यहाँ पे नानी जो है आपका बेमेल शब्द है। नेक्स्ट इसमें आपका 81, रामायण में कौन सी सिंधि है, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, तो जो रामायण में है कह सकते हैं वो आपका दीर्घ सिंधी है। नेक्स्ट इसमें आपका राम प्लस आयन, इसका आपका सिंधी विच्छेद होगा। नेक्स्ट इसमें आपका 82, मनोरथ का सिंधी विग्रह क्या होगा, तो मनोरथ में जो है आपका विसर्ग सिंधी है, इसका जो सिंधी विच्छेद होगा आपका मन प्लस रथ, मनोरथ। नेक्स्ट इसमें आपका 83, गौरी शंकर में कौन सा समास है, तो गौरी शंकर में आपका फर्स्ट वन अवयवी भाव, नेक्स्ट इसमें आपका दंत समास, नेक्स्ट इसमें आपका दिगु, और लास्ट इसमें आपका कर्मधार है समास। तो जो आपका गौरी शंकर है एक ही तरह का आपका वर्ड है, या आपका वर्ड डैश भी हो सकता है, तो कह सकते हैं कि द्वंद समास है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 84 है, कौन सा शब्द शुद्ध है। फर्स्ट वन वनस्पति कैसे लिखाता है, तो वन आधा सपति, आपकी कह सकते हैं कि छोटी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट इसमें आपका 85 है, मीरा बाई श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी, तो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। नेक्स्ट इसमें आपका 86, जो आपके इंग्लिश से पूछे गए हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप हाइड, स्किन, लेदर, सीप। तो यहाँ पे आपका हाइड का मतलब होता है छुपना, और स्किन हम लोगों की स्किन, लेदर, सीप, तो कह सकते हैं कि सीप से आपके लेदर और स्किन आपका कह सकते हैं कि चमड़े से रिलेटेड बोला जा रहा है, लेकिन हाइड आपका सबसे अलग है ग्रुप में। नेक्स्ट इसमें आपका 87 है, कंप्लीट द फ्रेजेज, इसको आपको कंप्लीट करना है, एज यू सो सो सेल यू रीप,
तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 88 द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें आपका करेक्ट स्पेल वर्ड क्या है, तो आपका जो करेक्ट स्पेल वर्ड है RENDEZVOUS, इसका मतलब होता है आपका मिलन स्थल या कह सकते हैं कि मनोरंजन स्थल। नेक्स्ट वन इसमें आपका 89 एंटोनिम्स ऑफ लैक एडिसिकल इज, फर्स्ट वन इसमें आपका ड्रीमी लकी हैप्पी और एनर्जेटिक, तो इसका मतलब जो होता है लैक आपने देख लिया तो इसका मतलब होता है कि आपका गिरावट या निरुत्साहपूर्वक, तो इसका जस्ट उल्टा आपका हैप्पी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 90 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि आपका मैकबेथ इज रिटेन बाय, मैकबेथ किसके द्वारा रिटेन किया गया है, तो आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटेन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें आपका सही है। इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका 91 आई कैन नॉट एग्री फिर ब्लैंक योर प्रपोजल, इसमें आपका प्रपोजिशन कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, फर्स्ट है टू ऑफ विथ और बाय, इसके लिए आपको डिटेल्स में कह सकते हैं पढ़ना होगा। आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है इट इज टाइम यू वेंट होम, ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है, इसमें आपको इसके लिए आपको टेंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपका द वर्ड लेक्यूसियस मीन्स, इसका मतलब जो होता है आपका लेक्यूसियस का मतलब होता है बातूनी, तो इसका आपका मीनिंग जो हो गया टॉक्टेटिव हो गया, ज़्यादा बात करने वाले को हम लोग टॉक्टेटिव बोलते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीटर रिदम एंड इनोटेशंस ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसोडी, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। 95 पे कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी क्लास 9th में भी पूछा गया। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज गिवन टू, आपका किसको दिया गया नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, कब मिला 1913 में, जी हाँ आपको 1913 में मिला है। नेक्स्ट इसमें आपका 96 है, इसमें बोला जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कह सकते हैं कि जो आपका भारतीय गणतंत्र के प्रथम स्पीकर कौन है, फर्स्ट वन इसमें आपका हुकुम सिंह, नेक्स्ट वन इसमें आपका जी भी मंगवालंकर, नेक्स्ट वन इसमें आपका थर्ड इसमें आपका सोमनाथ चटर्जी और लास्ट वन इसमें आपका मीरा कुमार, तो जो आपका कह सकते हैं कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के स्पीकर थे वो आपके जी भी मंगवालंकर थे, जिसको हम लोग दादा साहेब भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 97 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, एशियन का कौन सदस्य नहीं है, तो इसकी अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो 1967 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका पूरा नाम एशियन का जो है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें आपके 10 टोटल मेंबर है और इंडिया इसका आपका मेंबर नहीं है। जो आपके 10 मेंबर उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुसली, आपके टोटल आपके कह सकते हैं कि 10 हैं, जिसमें आपके थाईलैंड, लॉसो और मलेशिया भी आता है, यहाँ पे आपके 7 और यह आपका 3, टोटल आपके 10 हैं, जिसको आपको एशियन ASEAN इसके आपके मेंबर जो है इंडिया नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपका 98 व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, फर्स्ट वन इसमें आपका 1885, नेक्स्ट इसमें आपका 1905, नेक्स्ट इसमें आपका 1935 और लास्ट वन 1945, तो जो आपका कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको फॉर्म हुआ 28 दिसंबर 1885 में हुआ, तो पहला ऑप्शन इसके लिए आपका करेक्ट है, जो आपकी ओल्डेस्ट कह सकते हैं कि पार्टियों में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्सेस है कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसके अधिक जानकारी आप पा सकते हैं। इसमें आपका 99 कह सकते हैं कि सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, सैंटियागो किस देश की आपकी राजधानी कह सकते हैं, तो जो आपकी राजधानी है वो आपका चिल की है, जी हाँ इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस पड़ी हुई है, इसको आपको 3 पार्ट में कह सकते हैं कि मैंने डिस्क्राइब किया है और शॉर्ट ट्रिक के साथ काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हो, तो उसको आप देख लेंगे तो कह सकते हैं कि कंट्री और उसकी कैपिटल से और साथ ही साथ उसकी करेंसी से रिलेटेड आपको
प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें आपका 100 और लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल इन द रिसेंटली, 2011 की बात की जा रही है, रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड एट न्यू दिल्ली। फर्स्ट वन इंडिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका मेडल जो है गोल्ड जीता गया था वो आपका कंट्री था इंडिया, भारत था। जी हाँ, इंडिया के द्वारा जीता गया था, जो आपका 101 टोटल आपके गोल्ड मेडल आपकी जीती गई थी इंडिया के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने सारे कॉन्सेप्ट को सीख भी लिए होंगे। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियोस को लाइक करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।